अभी जो है सब बुलेट में चल रहा है, वो भी बुलेट भी कहीं कहीं लथक जाता है, फंस जाता है, तो आदमी भी बोलता है थोड़ा धकल दो बाबू। खाना का विषय में एक हड़िया भात जो है सर, थोड़ा सा उसको बीवी को मिलता है ना तो पूरा खा लेता है। चावल जो है सो ऐसा करके तो एक बोरा चावल बोलता है 3 दिन से 4 दिन सब खत्म कर देता है। शादी ब्याह में तो पूरा हड़िया खा कर खत्म कर देता है। तीन किलो चावल का भात खा जाते हैं, 3 किलो 4 किलो आटा खा लेते हैं रोटी। मीट 2 किलो, मछली 1.5 किलो। दूध कितना पीते हैं? 3 टाइम में 3 किलो। बचपन से ऐसा हूँ, बुलेट पे चढ़ता दम छोड़ देता है वजन के कारण से। कितना वजन है? 2 क्विंटल। अभी दिक्कत होता है थोड़ा थोड़ा, दिक्कत अभी हो रहा है, जवानी में दिक्कत ऐसे नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। कितना उम्र हो गया? 30 पार कर गया। शादी हुआ, बच्चे नहीं हुआ। अभी वजन के वजह से 2 क्विंटल के वजन के कारण चल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं थोड़ा सा। गाड़ी भी बुलेट भी दम छोड़ दे रहा है। शादी किए तो बच्चे नहीं हुए, वजन के कारण से। रोटी चावल मीट मछली 3 किलो चावल का भात खा जाते हैं, 3 किलो 4 किलो आटा खा लेते हैं रोटी। मीट 2 किलो, मछली 1.5 किलो। दूध कितना पीते हैं? 3 टाइम में 3 किलो। अब क्या परेशानी आ रही है? अभी वो चलने में परेशानी आ रहा है। कितना वेट है आपका? 2 क्विंटल। बच्चे नहीं हो रहे? नहीं। क्यों नहीं हो रहे? वेट के कारण से। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है इलाज करो, आराम हो जाएगा। ये जो है सो पहले जमाना में कुछ हल्का था, अभी जो है सो पूरा भारी हो गया है। और इसका जो है सो पहले कुछ तरह से पहले चल रहा था पैदल से, अभी जो है सो बुलेट में चल रहा है, वो भी बुलेट भी कहीं कहीं लथक जाता है। पीछे जो है सो कोई किसी को फंस जाता है तो आदमी भी बोलता है थोड़ा धकल दो बाबू। इस तरह से इसको हम लोग ले कर आते हैं। खाना कितना कैसा खाता है? खाना का विषय में एक हड़िया भात जो है सर, थोड़ा सा उसको बीवी को मिलता है ना तो पूरा खा लेता है। चावल जो है सो ऐसा करके तो एक बोरा चावल बोलता है 3 दिन से 4 दिन सब खत्म कर देता है। और रोटी के विषय में आप क्या बोलेंगे, ज़्यादा तो नहीं खाता है लेकिन ज़्यादा चावल खाता है। दूध और मटन चिकन कितना खाता है ये? सर उसका बारे में नहीं बोलिए, 2-4 दिन में जहाँ जहाँ मिल जाता है कहीं शादी ब्याह में तो पूरा हड़िया खा कर खत्म कर देता है। ऐसा तो डेली नहीं मिलता इसको। इसमें है कि इनके सारे जैसे कि मोटापा वाले बीमारी से ये ग्रसित हैं और इनका वेट जो उचित लंबाई के मुताबिक होना चाहिए उससे अधिक है, तो ये किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में आके पहले अपना सामान्य जांच कराएंगे। और जहां तक संतान की प्राप्ति की बात है तो वो जो भी टेस्ट्स है रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी वो जांच होगा। और जांच के क्रम में ये या तो वंशानुगत हो सकता है या हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते होता है। तो शुरुआत में जो यहाँ पर आएंगे तो जो शुरुआती लक्षण है उसका जांच होगा। विशेष जांच के लिए उनको मेडिकल कॉलेज या उससे हायर संस्थाएँ जो हैं उसमें भेजा जाएगा जहाँ उनका पूरा जांच होगा। और उनके शारीरिक बैलेंस के लिए या सक्षम शरीर के लिए उचित सलाह दिया जाएगा। सर 3 किलो का आटा खा जाता है रोटी? हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है ये हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो। तो ये सारी जांचें जब होंगी उसके बाद इन बिंदुओं पर बताया जा सकता है।